अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास सेट है टेक्नो का। इसकी बैटरी मुकम्मल तौर फुली पड़ी है, इसके अंदर गैस भरा पड़ा है और यहाँ पे हम इस बैटरी को बनाएंगे। मगर आप इसको घर पे ट्राई नहीं करना, मैं आपको स्टेप बताऊंगा जिससे आप इसको इजीली बना सकते हो। और इसमें जो आपस में लेयर होती है, अगर वो आपस में टच हो गई तो इसमें एक आग का शोला जैसे निकलेगा, तो आपके हाथ को या आपके मुँह को भी डैमेज कर सकता है। तो यहाँ से ऊपर को आपको नहीं मारना है, सुई से देखें, आपको यहाँ पे नहीं मारना है। आपको साइड कोई भी साइड पकड़ लेनी और सुई को लेटा के जैसे ऊपर से नहीं, साइड सुई को भी जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, ऐसे साइड से मारनी है। सुई को भी साइड करना है और बैटरी के साइड पे मारना है, कोई भी साइड हो। मैं साइड हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मार रहे हैं। थोड़ी सी अंदर जाएगी, हम एकदम से निकाल लेंगे। ठीक, अभी भी नहीं लगी है, अभी सही लग गई है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा वो केमिकल की खुशबू होती है ना, वो भी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें सिर्फ गैस ही था, कोई लिथियम जो पानी होता है वो इसमें अभी निकला नहीं है। इसका मतलब ये अभी भी टाइमिंग बहुत ही अच्छी देगी, सिर्फ चलेगी नहीं क्योंकि इसकी लिथियम का जो पानी है वो अभी तक अंदर सेफ पड़ा है। अगर वो निकल के आ जाता तो इसकी टाइमिंग की बैटरी है, जो टाइमिंग है चलाने वाली, वो बहुत ही कम हो जाती। अब इनका पानी भी अंदर सेव है, जो गैस ही है वो गैस निकल गया है। अब हम इनको चेक करेंगे कि ये मोबाइल खुलता है या नहीं। और यहाँ से आपको जैसे कि हम कर रहे हैं, इसके अंदर से गैस को मुकम्मल तौर निकाल रहे थे। अब यहाँ पे फिट भी सही आ रही है। अब हम यहाँ पे ऑन करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेट ऑन होता है या नहीं, बैटरी काम के लायक है या नहीं। हमारा तो 90% अंदाज़ा है कि बैटरी ऑन होने की सूरत में है, अभी तो ऑन नहीं हो रही है। थोड़ा सा रिबन को चेक कर लेते हैं और थोड़ा बटन को भी ज़्यादा प्रेस करते हैं, तो हो सकता है बटन हमने सही प्रेस ना किया हो। ठीक है, ये खुल गया। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने का आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। और अगर आप ऐसा काम करें तो होशियारी से करें और अपने घर पे ना करें, अपने आप को पहले महफूज करके फिर इस काम पे हाथ लगाना, क्योंकि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि ये लिथियम की बैटरी होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकती है। अगर इसके अंदर फुल चार्ज है तो वो आग भी दे सकती है।